शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिस सिंह आर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बेटे बहू ने माँ को बताया नौकरानी, फिर जो हुआ सबके होश उड़ गए। अमित बहुत परेशान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उनकी कमर भी बहुत झुकी थी। वैसे वह अपना काम खुद कर लेती हैं, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती हैं। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, अमित के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, अमित की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो, अमित की पत्नी शिखा ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो न माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो, शिखा ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। अमित बगल के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं, दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था और उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को अमित की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी धुन में उनसे मिली, सर मार रही थी बताते हुए कि मेरी सास हैं, मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। अमित को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन की स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। अमित बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ, आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, अमित बेटा, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, अमित ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे ना, शिखा को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। अमित जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गाँव छोड़ने पर बेबस हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था और अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने इसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब अमित बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद अब वो भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से अमित के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों अमित, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं, डॉक्टर रमेश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, बहू शिखा ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने अमित की ओर देखा तो अमित ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे, देखा कि सरस्वती जी को बहुत तेज बुखार है
और वो पलंग पर असहाय पड़ी हैं। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा अमित, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी, डॉक्टर रमेश ने अमित को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, अमित का कोई दोस्त नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की बदसूरती पसंद नहीं है, समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना, डॉक्टर रमेश ने शिखा की ओर व्यंग से देखा। शिखा निरुत्तर होकर अमित को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्ष की देन है। और बेटा अमित, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आँख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आँख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। शिखा बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा, डॉक्टर रमेश की आंखों से आंसुओं की जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी, डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। अमित को तो काटो तो खून नहीं था, डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो अमित को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ कर गया और माँ सरस्वती के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा, अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं, अमित ने नफरत से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। शिखा को भी बहुत पछतावा हो रहा था किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आँख मिलाए। सरस्वती ने शिखा के मन की स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और अमित को डांटते हुए कहा, खबरदार जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। शिखा और बच्चों ने सरस्वती के पैर पकड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।